तुझे अच्छी तरह मालूम है कि संग्राम सिंह जो चाहता है वही रियासत में होता है, क्योंकि हमारी नजर में ये भूखे गरीब सब कीड़े मकोड़ों के समान नजर आते हैं। रियासत में जो चाहता हूं, जैसा चाहता हूं वैसा ही होता है। पर हाँ, अगर कोई भी हमारी शान के खिलाफ बगावत की आवाज उठाता है तो ठाकुर संग्राम सिंह उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर देता है। समझ गया? ठाकुर साहब राम राम। राम राम। ठाकुर साहब कहो कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, हम गांव वाले आपके पास बहुत उम्मीद के साथ आए हैं। आखिर इतने गांव वाले मिलकर आज हमारी हवेली पर आने का कारण? ठाकुर साहब सुने मेरी बात को, दया करिए मेरे सरकार और नहीं भूलूंगा ये। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारे गांव वाले बहुत परेशान होकर हमारे पास मदद मांगने के लिए आए हो ना? पर चिंता मत करो, इस रियासत में जब तक मैं अन्नदाता बनकर बैठा हूं, हमारे रहते हुए कोई भी गरीब कोई भी किसान परेशान नहीं होगा। मदद मैं करूंगा जरूर, हो इस तरह से हो तुम परेशान के भरोसा मुझ पर रखो जरूर, न हो इस तरह से वालों, जब तक मैं जिंदा हूं इस गांव में कोई भी इंसान कोई कष्ट नहीं उठा सकता है, लेकिन तुम्हें परेशानी क्या है? ठाकुर साहब, इस साल गांव में सूखा पड़ गया, जो हम लोगों के पास एक अन्न का दाना नहीं है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, इसीलिए आपके पास हम गांव वाले आए हैं सर। समझ गया, अच्छी तरह मैं समझ गया। तो तुम लोगों को लिए नलकूप की व्यवस्था करवानी चाहिए।
हो सकता है, तुम्हें एक एप्लीकेशन लिख करके सरकार को देना होगा ताकि हमारे गांव में अच्छी से अच्छी व्यवस्था आ सके। ठाकुर साहब, अगर हमारे गांव में ट्यूबवेल की व्यवस्था हो जाए तो हम लोग किसान बहुत अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। ट्यूबवेल की व्यवस्था मैं करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तो कौन सा काम है ठाकुर साहब? सेवाराम देवाराम, जाओ सादा स्टाम्प पेपर लेकर के आओ, जाओ जाओ जाओ। देखो कमालो, तुम्हारे लिए नलकूप की व्यवस्था मैं करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें लिए एक छोटा सा काम करना होगा। ठाकुर साहब, आप जो कुछ भी कहेंगे हम गांव वाले वो जरूर करेंगे। ना, ये सादा स्टाम्प पेपर है, तुम लोगों को इस सादे स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगाना होगा। ठाकुर साहब, आप जहां कहेंगे हम गांव वाले वहां पर अंगूठा अपना जरूर लगा देंगे। भरोसा है, लगवा लो अंगूठा सबसे। मैंने कहा ना ठाकुर साहब, हम लोग सब अनपढ़ हैं। लगवाओ लगवाओ। देखो का मालो, तुम लोगों ने इस सादे स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगा दिया है, अब मैं जल्द से जल्द व्यवस्था करवाने की कोशिश करूंगा। ठाकुर साहब, अगर आप जल्द जल्द ट्यूबवेल की व्यवस्था करवा देंगे तो हम लोगों किसानों के घर पे खुशहाली खुशहाली होगी। खुशियां तो हम जरूर तुम लोगों के घरों में लाएंगे, अच्छी तरह से लाएंगे। ऐसे वराम वराम इन लोगों को लेकर के जाओ, और जो गोदाम में अनाज लगा हुआ है एक एक बोरी अनाज इन सबको बांट दो। ठाकुर साहब, आप बहुत दयावान हैं, आप जैसा दिलदार इंसान मैंने कभी नहीं देखा। ठाकुर साहब, एक बोरी हम का हो, दो दो बोरी उठवा अरे जाओ जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ठीक है जाओ। सेवाराम मेवाराम जी, छाटूर साहेब। क्या बोला रे? छाटूर साहेब, जब तेरी जुबान लगती है तो फिर बीच में क्यों बोलता रे? इन लोगों ने सादे स्टाम्प पर अंगूठा लगाया जरूर है, लेकिन जीवन भर के लिए गुलामी की वो मोहर लगाई है कि हमेशा जीवन भर हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। अरे ये गांव की जनता कितनी बेवकूफ है रे, अभी ना अनपढ़ साले गंवार, ये सब अनपढ़ और गंवार, ये क्या जाने कि हम स्टाम्प पेपर पर अंगूठा किस लिए लगवा रहे। अब आपकी जो इच्छा चाहे वो लिख सकत हो, इसी तरह गरीबों की जमीन हड़प करूंगा, आज तक मैं लोगों को खून की आंसू नहीं बहाऊंगा, तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये गरीब हमारी नजर में कीड़े मकोड़ों के समान है, समझ गया ना? जाओ रियासत की तरफ जाओ, अगर कोई भी इंसान हमारे खिलाफ बगावत की आवाज उठा रहा हो उसके घर में आग लगा दो, जलाकर खाक कर डालो उसे।
दया राम है क्या नहीं कहते दया राम है क्या नहीं आता उनके पानी लंदा छोटा बहू तो इधर तो इधर जमींदार संग्राम सिंह सभी किसानों का अंगूठा लगवा लेता है। इधर देखिए ये जगतपुर है, जगतपुर में थाना लगा होता है जो कि इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद और सभी पुलिस कर्मचारी मौजूद होते हैं, आप इसमें बातें करते हैं। तो आइए आपके सामने साथ पेश की शानदार एंट्री, ये है जगतपुर थाना। तो तुम यहाँ के कौन हो? आई एम चौकीदार। तुम्हारा नाम क्या है? धनी राम पासी, खाते हैं बासी, लगाते हैं फांसी। साले फत की बात करते हो? यस। थाने में कुल मिलाकर कितने सिपाही हैं? 13.5। 13.5? हाँ साहेब। यादा कहाँ गए भी? आर्य तिवारी जी के पोलियो होएगा, वही खाली यही मेर चला थे। उनका हम आधे गिनती के हैं। ठीक है ठीक है, तो तुम यहाँ के चौकीदार हो? हाँ साहब। हाँ साहब। यहाँ का हवलदार कौन है? विश्राम सिपाही नक्शेबाज। ओ, जिसका तकिया कलाम है कि जो भी काम करता नक्शे से करता है। अरे जो काम करता नक्शे से, चलता है तो नक्शे से, जुल्फी ऐंच के चलता है, साइकिल से मन मन भांग पान खाता है, बुलबुल बुलबुल निकालता है, इसी से उसका नक्शे पास सिपाही। और हमने देखा कभी कभी चौराहे पर पिटता है तो नक्शे से। हाँ साहब, समझ रहे हो ना? अरे एक बार हमको पीटने लगा, कहा चौकीदार है, कहा पहले क्यों नहीं बताया, मैं नक्शे से मारने लगा था। ठीक है, उसके आने कोई तरीका समय है? हाँ साहब। कितने समय आता है? सुबह के 1 बजे आता है। सुबह के 1 बजे? हाँ साहब। अब साले कहीं सुबह 1 बजती है? साहब ना करो चाहे नकुना, दिन भरे में इतने दिन तो 1 बजे थे। हेलो, सुबह 8 बजे की है? हाँ साहब, हम लोग 8 बजे आ रहे हैं। और वो कोई लेट के आते हैं? लेट में आता कि? हाँ साहब, नक्शे से लेट के आते हैं। लेट में आता है? हाँ साहब। तुम आने दो, मैं उसका नक्शा देखता हूँ। आने दो। अरे आते होंगे। बेटा वहां का अपने हो बंबई पठाई के, मजा कर बूढ़ा पतोहिया फसाई के, मजा कर विश्राम सिपाही नक्शेबाज। ओह माय गॉड, वैसे जैसा मैंने तुम्हारा नाम सुना था ना, अरे रे रे, ये के लूट मारते हो तुम नक्शे से?
हमने सुना तुम जो भी काम करते हो तो नक्शे से। कौन सा काम करते हो नक्शे से? हर काम करते नक्शे से। कौन सा काम है? किसी को पकड़ते तो भी नक्शे से, किसी को छोड़ते हैं तो नक्शे से, पहनते हैं तो नक्शे से, खाते हैं तो नक्शे से, हगते हैं तो नक्शे से। बताने वाली चीज है तो विश्राम सिपाही नक्शेबाज तुम्हारा ही नाम है। आई यू को नो यू। उसे समय तुम कहाँ से आ रहे हो? जहाँ आपने भेजा था। हमने कहाँ भेजा था? जहाँ से हम आ रहे हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो? जहाँ आपने भेजा था। हमने कहाँ भेजा था? जहाँ से आ रहे हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो? जहाँ आपने भेजा था। हमने कहाँ भेजा था? जहाँ से आ रहे हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो? जहाँ आपने भेजा था। हमने कहाँ भेजा था? जहाँ से आ रहे हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो? जहाँ आपने भेजा था। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ इस समय तुम कौन से थाने किस हल्के से नक्शे से आ रहे हो? हाँ, इस समय हम आ रहे हैं थाना लौड़ाही से। ये कहाँ पड़ता है? हैदराबाद के पहले। हैदराबाद से पहले पड़ता थाना लौड़ाही की। हाँ, हुआ गेन कोनो केस नहीं मिला, चला देर पर से आओ, फिर पहुँच गए थाना गढ़ियाबाद। ये कहाँ है? डकैत नगर के पहले। थाने टिकाई नगर से पहले पड़ता थाना धैयाबाद की। हाँ, टिकाई नगर के आगे थाना गढ़ियाबाद। रही बात, हुआ के कोनो केस ने भी फॉर्म पहुंच गए फिर थाना रामनगर। ये कहां है? डगई सरा के पीछे। बदो सरा के साइड में थाना रामनगर है। हुआ के कोनो केस ने मिला फिर पहुंच गए थाना रूनी कटरा। कहां पड़ता है? हैदरगढ़ के पीछे। उसे हैदरगढ़ कहते हैं ना। हुआ के पता लाग डाकू इलाका छोड़ के भाग गए, फिर पहुंच गए अपने हलका की तरफ। कौन सा हलका? हलका नंबर 4 जहां रहते साले चोर। इसलिए तुम खा खा के हो गए हरामखोर। 10 किलोमीटर फिर वही गांव पहुंच गए लाड़ेपुरवा साहब। ये कहां पड़ता है? गांजरपुर के पास। ये गांव नंबर 2 हलके में आता है, अच्छी तरीके से मैं जानता हूं। गाजीपुर के साइड में पड़ता है, उस गांव का शुद्ध नाम पाड़े का पुरवा है। हां, हुआ गेन कोनो किसी ने मिला फिर पहुंच गए अपने हलका के, वही हलका नंबर 4 जहां रहते साले चोर। देखा 12 बजे दिन में सिलेंडर जलाए, 3 जुआनी बैठल जुआ खेलत रहे साहब। 12 बजे दिन में गए सिलेंडर जाए, 3 जुवानी हरी जुआ खेल रहे। बहुत पूरी पुलिस फोकस नहीं कर, पुलिस फोर्स की फोकस। तुरंत डबी से मार दिन, दुई भाग्य का पकड़ लिन, भीषण लाठी लगा। बहुत अच्छा किया। हम गए नबे साले, तुम दिन में जुआ खेले रात में चोरी करत हो, आज तुमको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, पकड़ कर हरी बाहर लान बस साहेब साला। अरे चोर की बात कर, साले का नाम नहीं लेना। हाँ तो पकड़ कर जैसे अलारिक बाहर लान बस साहेब साला। अरे भैया पूरी बात नहीं सुना तुम, पकड़ का लड़ी बाहे लान पर साहेब साला। मैंने कितनी बार कहा कि चोर की बात करो साले। आपको साहब कह रहे चोर का साला। पकड़ का लड़ी बाहे लान पर साहेब साला, पूरी बात सुनो यार। साले मैं तुम्हारा साला हूँ। नहीं बीच में बात रोक दिए थे। पकड़ का लड़ी बाहे लान पर साहेब साला, हमार गोड़ पकड़ के रोबे लाग गई साहेब, हमका छोड़ दियो, बड़ी ठंडी हुआ घर से कम मर ले दवाई। हम कहे साले तुम फिर रिहन ऊपर से हमका बेवकूफ बना रहे हो। हम कहे तुम ये रुको हम कम मर ले आए थे, ऊका हुए रोक दिन उनके घर का कहने कम मर आने मेहरुआ मसाला पीसत रही। हम कहे कह रहे मेहरुआ तोरे मन एक पकड़ ली कम मर दे दे, वो कही साहब अर्गनी टांगा उतार लियो। हम जैसे अर्गनी कहती बड़े पर वो मेहरेवा पीछे पल्ला बंद कर लिए, अब हमका वही भी तेरे मार लोहन। और वो चोर कहाँ गया? भाग गया। किसी चोर या बदमाश को तुम पकड़ोगे उससे कहोगे तुम इसी जगह पे ठहरो, हम तुम्हारे घर तक कमर लेकर के आते हैं तो तुम्हें लेकर चलेंगे। वो चोर तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है जो खड़े होकर वहाँ पुलिस का दोबारा आने का इंतजार करेगा कि पुलिस आए हाथों में हथकड़े लगाए और जेल लेकर जाए। साला का धक है का, इतना अच्छा तुम्हें चांस मिल गया था, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? पकड़े अगर तुम पकड़ लेता तो तेरा प्रमोशन हो जाता। अपोस मास्टर कब हुई? अरे बात इसी बात से तो मैं डरता हूँ। तुम्हारे मास्टर मरने के बाद होता है। नहीं नहीं तुम्हारी दिना कब हुई? जैसे तुम्हारा हौदा बड़ा है होता कि हाँ, जैसे तुम्हारे 4 पिल्ले लगे हमारे कब लगे हैं? उसे प्रमोशन कहते हैं। हाँ तो कब पकड़े? पकड़े पकड़ पाए नहीं बहन। क्यों नहीं पकड़ा? हम सोचे न कर हम पकड़ लिया तो तुम कहाँ पकड़ी हो? अरे कभी कभी तो दिमाग से बात किया कर, थाला का दाखल कहा थाने के जितने फाइले मैंने खोल के देखा है सारी की सारी फाइले डाकू कोराम सिंह के नाम से भर गई है। अरे डाकू कोराम सिंह का नाम सुनते ही साले तुम्हारी हवा निकल गई। और बताता जो भी काम करता हूँ नक्शे से करता हूँ।
क्या हुआ? वो कोई बात न करो साहब। क्यों? जैसे तुम वो कोई नाम लियो तैसे हमरे धक 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 सीने मुंह लागत। वो कोई नाम ले लियो।